हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन कैसा रहा और क्या मार्केट ने एक शानदार मूवमेंट दिया है। आज था मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी और लॉन्ग टर्म एक्सपायरी भी आज था। जो 3 मंथ्स की एक्सपायरी होती है तो सितंबर में दैट 3 मंथ्स एक्सपायरी वाज आल्सो देयर। और लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि 26,000 पे जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, बट निफ्टी डिमोलिश्ड ऑल ऑफ इट। और ये जो आज मूवमेंट हुआ है कहीं ना कहीं काफी सारे स्टॉक्स के सपोर्ट से चला है और मेजरली आई वुड से ऑटो सेक्टर की में काफी अच्छा मूवमेंट आया है। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट एक सॉलिड रन अप पे है, बट बी कॉशियस बिकॉज जितना ज्यादा ऊपर जाता है मार्केट उतना आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज हाइट पे तो सभी को डर लगता है। ठीक है, तो अब मैंने आप लोगों को कल बोला था कि क्वेश्चंस भेजिए, तो आपने से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, तो हमने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। नॉट दैट कि हमने कोई जो आप मतलब पूछना चाहते हैं उस क्वेश्चन को हटा के कुछ रखा है, बट रेपिटेटिव क्वेश्चन से वो कम कर दिए और सिमिलर क्वेश्चन को एक साथ रखा है और कोशिश की है कि स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम बात ना करें। जो आपकी क्वेरीज है, आप सीखना चाहते हो मार्केट के बारे में, उसके बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जयेश का, आई जस्ट हाईलाइट इट हियर। सबसे पहला जयेश का क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज स्टॉक फॉर इंट्राडे स्विंग एंड लॉन्ग टर्म, इफ पॉसिबल वीडियो ऑन दिस एंड प्लीज हाउ यू चूज। तो देखो, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है इंट्राडे स्विंग एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ब्रॉडली बता देती हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए जो है फंडामेंटल्स हैव टू बी रियली रियली गुड। मतलब कई सारी चीजें जैसे फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, आपको कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा ब्रॉडली पता होना चाहिए, तो और आप कई सारी चीजें उनकी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक मेरा फेवरेट स्टॉक जो मैं आपको टाइम एंड अगेन बोलती रहती हूँ, स्टॉक का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसको मैं कभी भी आंख बंद करके किसी भी दिन किसी भी समय इसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ। अगर ये गिर रहा है 20% गिर गया जिस दिन, उस दिन मैं जितनी मेरी कैपिटल है उसका एटलीस्ट 20-30% डिप्लॉय कर सकती हूँ। मार्केट कैप है इसकी 15,52,000 करोड़, पी इज 32, आरओसी इज 64%, आरओए इज अबाउट 51.5%। दिस इज अ लार्ज कैप स्टॉक। तो होता क्या है कि अगर आपको मोमेंटम चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप में मिड कैप में पैसा लगाना पड़ेगा। मूवमेंट फास्ट आते हैं और जब मार्केट गिरता है तो गिरावट भी बहुत ज्यादा आती है, बट लार्ज कैप होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको लार्ज कैप में ट्रेड करना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या फैक्टर्स मैं देखना चाहती हूँ अगर सपोज मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेल्स इनकी लगातार इंक्रीज होनी चाहिए। आप मेरे को एक भी क्वार्टर बताओ जिसमें इनकी सेल्स डिप हुई, हर क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर से बेटर सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी आप चेक करो, एवरी क्वार्टर हैज बेटर यू नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देन द प्रीवियस क्वार्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करो, दे आर स्टेबल एट 26-28%। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगातार नेट प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताओ, इसमें इनका ईपीएस भी पॉजिटिव है। एक और दो चीजें जो मैं देखती हूँ वो भी देख लेती हूँ कि इनके रिजर्व्स और बोरोइंग्स क्या है। रिजर्व्स है 90,000 करोड़, बोरोइंग्स है 8,021 करोड़। नेग्लिजिबल, सपोज कंपनी किसी बात से कल शट डाउन हो जाती है, ऑपरेशंस शट डाउन हो जाते हैं, विल दे बी एबल टू पे देयर डेट्स इजीली? वेरी वेरी इजीली। अब आप इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, लास्ट 11 साल में 4 times हो गई है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और उसके बाद आप देखो इनके प्रॉफिट्स 18,000 करोड़ से बढ़कर 63,000 रुपए हैं। आप नेट कैश फ्लो देखो, कुछ समय नेगेटिव रहने के बाद अब ये पॉजिटिव कैश फ्लो में आ गए हैं। और डेटर डेज की बात करें तो स्टैग्नेंट है, स्टेबल है। और आरओसी की बात करें तो बहुत बहुत डिसेंट 64% पे है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा डायल्यूट किया है, बट किसने लिया है वो शेयर्स, FIIs, DIIs एंड एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है और पब्लिक की होल्डिंग बहुत नेग्लिजिबल है। तो आई वांट टू टेल यू कि इस तरह के स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में यू कैन कीप फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम।
Whereas a very long time means you can keep it for your children, grandchildren, great grandchildren, and the money is just going to multiply like anything. इनमें आपको बहुत लंबा होराइजन लेके चलना होता है. जब हम इंट्राडे की बात करते हैं तो हमको ब्रेकआउट चाहिए होता है. इंट्राडे मतलब टाइम फ्रेम आपका छोटा हो जाता है. जब आप बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड्स की तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए वीकली, डेली, नॉट लेस देन दैट एट ऑल. अगर आप बात करते हैं इंट्राडे की तो आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, मैं दो टाइम फ्रेम एक साथ देखती हूँ, एक डेली देखती हूँ और एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखती हूँ. दैट्स हाउ आई ट्रेड इन इंट्राडे. मोमेंटम ट्रेड की बात करते हैं तो मैं डेली चार्ट देखती हूँ और पास्ट बैरियर्स ब्रेक होने चाहिए या बॉटम डाउट होना चाहिए, जो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि ट्रायंगल पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट होना चाहिए तब मुझे मिलता है. बट उसके लिए आपको डेटा कोलेक्ट करना पड़ता है, डेटा देखना पड़ता है रोज, कहाँ पे कितनी बाइंग आ रही है, और आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है. आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, राइट? एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ जो मैंने आपको बहुत समय से बोलते बोलते फिर फाइनली उसमें ब्रेकआउट आया था. द स्टॉक नेम इज HDFC बैंक, राइट? HDFC बैंक अगर आपने देखा था ये स्टॉक तो आप प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स. आपको मैंने इसको लगातार दिया है, आप ये जो शेडेड पोर्शन देख रहे हैं दैट्स वेयर आई हैव गिवन अ बाय. और मैं लगातार बोल रही थी, मैं यहां से आपको बोलना शुरू कर दिया था फ्रॉम द मंथ ऑफ ऑगस्ट कि HDFC बैंक अगर इस जगह के ऊपर जाके रुकता है तो आपको एक डेफिनेटली बाय मिलेगी. बट मार्केट की चाल के हिसाब से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहा, और फिर क्योंकि इस पूरे समय में HDFC बैंक में अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉय हो रही थी. एक और एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया था वो था बजाज ऑटो. बजाज ऑटो भी इसी तरह का स्टॉक है जहां पे लगातार कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन जोन था. ऑल्दो आपको लग रहा था मार्केट नीचे जा रहा है बट मार्केट नीचे नहीं जा रहा था, मार्केट वाज एक्चुअली ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड गेटिंग रेडी फॉर दिस बिग बिग मूव. यहां से देख सकते हो कि जब ये स्टॉक नीचे जा रहा था राइट, तो वॉल्यूम्स वर लो, राइट? एवरी टाइम इट मेड अ यू नो अ ग्रीन कैंडल द वॉल्यूम्स वर वेरी हाई. एंड देन ऑन दिस पर्टिकुलर डे आपको मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ये दिस डे राइट, जब ये बड़ी कैंडल बनी है द वॉल्यूम्स हैव बीन रियली रियली मैसिव, टेलिंग अस अ टेल. ईच 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 कैंडल हैज अ स्टोरी टू टेल, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू रीड इट. यू नो जैसे आपको पता होगा हर हर स्पीसी जो यू नो लाइक एनिमल्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, बर्ड्स अपनी लैंग्वेज में बोलती है, ये कैंडलस्टिक अपनी लैंग्वेज में बोलती है, प्रोवाइडेड यू लर्न हाउ टू डिसाइफर दैट लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज. तो इस कैंडल ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था. और जब ये प्राइस नीचे जा रहा था, जब ये धीरे 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 नीचे जा रहा था, अब देखिए वॉल्यूम्स वर वेरी लो राइट, बट एक दिन ये ग्रीन कैंडल बनी थी, वॉल्यूम्स वर सडनली हाई राइट. सो देर वॉज अ लाइक बाइंग कम्स फ्रॉम एटलीस्ट अ मंथ इन एडवांस. आपको डेटा को रोज देखना है राइट. अगर आप NSE पे जाएंगे तो आपको एक एक स्टॉक का वैल्यू डालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा, बट आपके पास अगर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होगा तो आप देख सकते हो उससे, या आपके पास कुछ स्कैनर्स होंगे जो आपको बता सकते हैं आज वॉल्यूम स्पर्ट कहाँ पे आया, कहाँ पे अच्छी बाइंग आई है, उससे आप ढूंढ सकते हो. आई यूज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एंड आई वुडंट बी ओके टू टेल यू द नेम ऑन द पब्लिक फोरम बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज फॉर एनी सॉफ्टवेयर कंपनी. इफ यू वॉन्ट टू आस्क, इफ यू वॉन्ट टू नो, यू कैन आस्क माई टीम एंड आई विल बी एबल टू इन्फॉर्म यू. Right, so I use a professional trade software which tells me every day what's the capital being deployed, how much is being deployed in which sector, where, और उससे मुझे पता लग जाता है. आप लोग पूछ रहे हो कि कैसे पता लगाएं सेक्टर रोटेशन का, तो सेक्टर रोटेशन के लिए आपको लगातार सेक्टर्स को वॉच करना है, लगातार आपको सेक्टर्स को वॉच करना है, किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है. जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे प्राइस लगातार वॉल्यूम को देखो, प्राइस को देखो. एक किसी आप लोगों ने पूछ रखा है कि आप निफ्टी में कैसे वॉल्यूम लगाते हो, तो मैं नहीं लगाती हूँ वॉल्यूम, दिस इज हाउ इट कम्स इन इन ये अगर आप चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि इवन इंडेक्स में वॉल्यूम्स दिखा दिखाई देते हैं. सी हियर, ये निफ्टी है, निफ्टी में आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स नीचे आते हैं राइट. अगर आप जीरोधा देखोगे तो शायद उसमें ना दिखाई दे, बट ट्रेडिंग व्यू में आपको वॉल्यूम्स दिखते हैं. सो ट्रेडिंग व्यू में इवन इन द इंडेक्स यू विल बी एबल टू सी द वॉल्यूम्स,
Right? So let me go back to your questions again, and we'll continue from there. Here. So उसके बाद आपको क्वेश्चन है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे आप यूज करते हो. तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका टाइम होराइजन रहता है फ्यू डेज, मैक्सिमम फ्यू डेज और फ्यू वीक्स. मतलब आपको उतने समय में 15 से 20 या 30% का मूव मिल जाना चाहिए. उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर्स देखने पड़ते हैं, और वहां से आप पता लगा सकते हो. एक मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, आज अगेन आई कैन एक्सप्लेन इट यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड. वेरी सिंपल मेथड, व्हाट आई सिंपली डू इज पुट 50 SMA. आई सिंपली लाइक टू पुट 50 SMA एंड आई सी व्हेन प्राइस इज कंसोलिडेटिंग ऑन 50 SMA इन एनी स्टॉक. लेट्स से हियर इज निफ्टीज चार्ट, राइट? द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. If it breaks me, it will give me 10 to 20%. See, Nifty है तो इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, बट किसी भी स्टॉक में अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां अगर वो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपको 10, 20, 30% तक का मूव आपको मिल जाता है. तो ये होता है स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग इज फॉर फ्यू डेज, पोजिशनल इज फॉर लाइफ लॉन्ग, राइट? एंड इंट्राडे इज जस्ट यू बुक प्रॉफिट दैट वेरी डे, कम आउट ऑफ इट. सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर. Second question, I'm skipping. Somebody's asking me about Cochin Shipyard. I'm not going to answer that because here I'm asking you guys to come and learn, right? Learning ke hisab se question poochho. So I'm not even answering. Sahai has asked, wanted to know about PNB Housing and Can Fin Homes. It's down. So wo aapko manage karna padega. I'm not answering those questions. I'm here to make you learn something new. ईशा सलूजा का कुछ है क्वेश्चन. दिस इज अ प्रीटी लॉन्ग वन, आई नीड टू रीड इट. आई एम ग्लैड कि भगवान ने मुझे आपसे मिलाया है. नॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है. जो भी बोलते हैं आप सही होता ही है. कभी भी कोई ट्रेड गलत नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि ट्रेड तो देखो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, आई एम नॉट अ गॉड. सो हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट इज मार्केट. यू नो, कोई न्यूज आ गई स्टॉक में, कोई एडवर्स न्यूज आ गई तो स्टॉक एकदम से गिरते हैं. एनीवे, आपका क्वेश्चन क्या है कि मैम, मेरा सवाल यह है कि जो हाउसवाइफ बहुत कम मनी 1 to 2 lakh से स्टार्ट कर रही है, उनको कैसे स्टॉक में काम करना चाहिए? लाइक मैंने 2.5 lakh ही डाले हैं अपने डीमैट में, विच इज क्वाइट अ गुड अमाउंट. अगर आपने 2.5 lakh रुपए अपने अकाउंट में डाले, 2.5 lakh rupees अपने अकाउंट में डाले, आप 20 से 25 हजार टारगेट कर सकते हो. द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि आप Until you learn about market, you will not be able to make money. देखो, हमको ये बात समझनी पड़ेगी, हमारी फाइट किसके अगेंस्ट होती है. हम फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द हेज फंड मैनेजर्स, पीपल हु हैव, एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन मीन्स उनके पास एक नॉलेज होती है, इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है. यू नो, आई वाज टॉकिंग टू माय सन एंड ही सेड, मॉम, यू नो वन थिंग, आई हैव अंडरस्टूड अबाउट स्टॉक मार्केट वन थिंग वेरी स्ट्रिक्टली. एंड ही सेड दैट कि पैसा वही बना सकता है जिसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी. तो क्वाइट एन एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग एंड आई अग्री विद इट. अगर आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है. बट एट द सेम टाइम, इफ यू डिसाइफर दैट इनसाइड इंफॉर्मेशन इन द प्राइस, देन यू विल बी एबल टू मेक मनी, राइट? और वो इनसाइड इंफॉर्मेशन को डिसाइफर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. आपको समझना पड़ेगा मार्केट की डायनामिक्स. अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो प्रॉब्ली दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बजाज ऑटो का, राइट? जो मैंने आप लोगों को एक लॉन्ग वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि इस दिन गिरा था मार्केट, जिस दिन हमारा बजट आया था 23 जुलाई को, और वहां से प्राइस ने बाउंस किया था, राइट? गिरा था क्योंकि मार्केट वॉज लाइक दैट, यू नो, बजट वॉज नॉट बींग टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर. तो स्टॉक गिरा था बट इमीडिएटली बाउंस कर गया. आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे दी थी उस दिन इसने कि ये स्टॉक तैयार है चलने के लिए. जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4 जून को, उस दिन भी ये स्टॉक गिरा था और बाउंस किया था इसने. तो प्राइस को अगर आप पढ़ेंगे ना, और उसको माइन्यूटली पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, यू डोंट हैव टू टेक द बिगर पिक्चर. लाइक आप देखोगे कई बार बिगर पिक्चर जो होती है ना, वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल, एक बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ एस्ट्राजेनेका का, राइट?
एस्ट्राजेनेका का, अगर अगर हम कोई भी और स्टॉक हो, कोई और भी जैसे हमारे जैसा कोई नॉर्मल ले पर्सन होगा, अगर ये ब्रेकआउट देखा उसके बाद आपने कल खुलने के साथ ही ले लिया, तो नेक्स्ट 2 दिन स्टॉक नीचे जाएगा। तो ये जो ये जो ट्रेड है ना, ये फोमो ट्रेड है। अगर आपने आज या कल इसमें ट्रेड किया होता तो ये फोमो ट्रेड होता। ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेने से आप हमेशा यू विल बी इन द लॉस। मेनी अ टाइम्स यू पीपल से कि जब मैं एंट्री लेता हूँ उसके बाद नीचे चला जाता है स्टॉक, तो आप एंट्री ही गलत लेते हो। आपको एंट्री लेनी है बिफोर द ब्रेकआउट कम्स, राइट? तो अपनी एंट्री पे काम करिए। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, एंट्री पे काम करिए। मैं पूरे लाइक आज मैंने बैठ के कम से कम, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, तो आज मैंने बैठ के कम से कम 5,000 स्टॉक्स को रिप्ले किया है और देखा है कि कहाँ पे वो कंडीशंस बनती है। डू दैट काइंड ऑफ वर्क। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। काम बिना करे आप लोगों को क्या लगता है कि ये टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल, ये यूट्यूब, वो ट्यूब, वहां से आपको ट्रेड लोगे और पैसा बन जाएगा? कुछ समय बन जाएगा, कभी मेरा भी ट्रेड सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, और जब गिर जाता है तो फिर आप परेशान हो जाते हो, राइट? जब चल जाता है तो आप लोग बहुत खुश रहते हो। व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल पावर शुड बी इन योर हैंड। व्हाई योर पावर इज इन माई हैंड कि आपने बोला था तो मैंने लिया। अरे मैंने बोला तो लिया आपने ना, कितनी क्वांटिटी ली है, कब ली है, कहाँ बुक करोगे, कहाँ एक्सिट करोगे, अगर स्टॉक नीचे गिर गया तो क्या स्टॉप लॉस है, वो सब आप जानते ही नहीं हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंटायर पावर शुड बी इन योर हैंड। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के बारे में लर्न करना जरूरी है। मैं इतने लोगों से बात करती हूँ, जब मेरी टीम किसी को एनरोल कर रही होती है, कई बार वो बोलते हैं कि मैम से बात कराओ, बिकॉज आई एम नॉट श्योर यू आर द राइट पर्सन। व्हेन आई स्पीक टू देम, और व्हेन आई स्पीक टू देम, दे विल से कि मैंने 5 लाख का लॉस किया, 10 लाख का लॉस किया, 20 लाख का लॉस किया। हम आपको जो एक कोर्स करते हैं, हम जब व्हेन आई केम इनटू द स्टॉक मार्केट, माय होल ऑब्जेक्टिव वाज टू एजुकेट पीपल, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट एजुकेशन अबाउट स्टॉक मार्केट, एंड आई न्यू देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी मेड इन द स्टॉक मार्केट इफ पीपल आर ट्रेंड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, पीपल सॉ कि इसमें तो बहुत पैसा है, तो सब करने लगे, सब उल्टी सीधी चीजें देते। पर हम आपको 1 साल के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, 3 टाइम्स लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। आज जब लोग 26,000 26,000 बोल रहे थे कि 26,000 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वन ऑफ आवर मेंटर नागा ट्रेडेड इन इट एंड गेव अ लाइव ट्रेड, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में बाय दिया था। आप आपके सामने देखिए, ये है निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था बाय के लिए, एंड आज की डेट में उसने जो आपको दिया था, हमने बाय के लिए दिया था 109 पे, और इसने जाके 170 का हाई लगाया, राइट? तो इतना पैसा मार्केट में है जितना आप फैदम भी नहीं कर पाओगे और डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। बट व्हेन आई टॉक टू पीपल, यू नो द पीपल से दैट आपकी फीस बहुत ज्यादा है, किसी ने इनफैक्ट लिखा हुआ है कोर्स को 50% डिस्काउंट पे दो। बट मुझे बताओ, 1 साल के लिए हमारे 10 मेंटर्स आपको लगातार 3 बार लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, सुबह 9 से 10 दिन में, और फिर रात में आपको कमोडिटी लाइव ट्रेडिंग। 7 मेंटर्स आपको 3 महीने तक लगातार पढ़ाएंगे, 9 महीने तक आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे एक दिन पहले। और ये कोर्स जो है, इसकी कॉस्ट इज नॉट लेस देन 7 to 8 लाख रुपीज, एंड हम आपको 40,000 में देते हैं, बिकॉज आवर होल ऑब्जेक्टिव इज टू एजुकेट यू गाइस। और आप बोलते हो इसको भी 50% पे कर दो। सी, जितनी आप स्ट्रगल करोगे ना, उतना किसी चीज को पाने के लिए, उतनी आपको उस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी। मुझे पता है हाउ आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर इवन अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, ना मेरे पास लैपटॉप था, ना मेरे पास डिसेंट फोन था, कुछ भी नहीं था। कैसे मैंने वो सब अरेंज किया है, कैसे मेहनत करी है, कैसे आई यूज टू टेक ट्यूशन, यू ऑल नो दैट, राइट? आई हैड अ कोचिंग सेंटर, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, आई यूज टू गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग, 5 से लेके बिफोर माई किड्स वुड गेट अप आई वुड टीच। उसके बाद 4 to 8 मेरा कोचिंग होता था, और 8 to 10 अगेन आई वुड टीच एट होम टू जनरेट दैट एक्स्ट्रा इनकम, सो दैट आई कैन अफोर्ड अ लैपटॉप एंड आई कैन अफोर्ड अ फोन। यू नो 24 आवर्स ऑफ वर्क आई हैव डन टू रीच वेयर आई एम टूडे। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, इट्स समथिंग वेरी सीरियस। और आप लोग बोलते हो डिस्काउंट, मैंने आज तक कभी डिस्काउंट नहीं मांगा किसी से। Why should I ask for discount? If at all I will ask for services. Give me, make me so capable that every day I earn 40,000 rupees or 1 lakh rupees.
Right. I will demand that. I will not demand a discount. Start understanding the वैल्यू ऑफ वॉट यू आर डिमांडिंग. आप लोग गलत चीज डिमांड करते हो और इसलिए उसका इफेक्ट भी गलत ही होता है. सो पार्ट वन को यही पे एंड करते हैं. अगर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर और नॉट. इफ यू स्टिल वॉन्ट मोर मोर क्वेश्चन मोर अबाउट इट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. माई टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी कैन रियली वर्क टूगेदर टू मूव फॉरवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर ये काम मेरा अच्छा लगा आपको तो प्लीज अपने किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि दिस इज अ चैनल वेयर सम जेन्युइन वर्क इज हैपनिंग. बाय बाय. टेक केयर.